जो बाड़मेर जिला हेडक्वार्टर से नव बाड़मेर अभियान शुरू किया गया वो दोरिमना तक पहुंच चुका है। और इस नवरात्रा के प्रथम दिन आज दोरिमना के अंदर दोरिमना वासियों ने एक ज़बरदस्त पहल शुरू की है गायत्री शक्तिपीठ के तत्वाधान में, और अन्य ऑर्गेनाइजेशन संगठन और यहाँ के कार्यकर्ता सभी ने आज मिल करके ये पहल शुरू की है। और आज लगभग 2 घंटे तक ये सफाई अभियान चला। मैं जिस स्पॉट पर खड़ा हूँ यहाँ पर लगभग 10 टन के आसपास कचरा था, वो यहाँ से सारा वाइप आउट कर दिया गया है। 3-4 ट्रॉली भर करके यहाँ से कचरा उठा दिया गया है और ये गली आज स्वच्छ हो गई है। ऐसी दोरिमना के अंदर सैकड़ों गलियां हैं, उसको स्वच्छ करने के लिए दोरिमना के अंदर ये 9 दिन तक अभियान चलेगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, चूँकि दोरिमना के आसपास क्षेत्र में ये सारे लोग वीडियो देखते हैं, अभी जो वर्तमान जो ये अभियान चल रहा है इसका सुबह 6 बजे से टाइम निर्धारित किया गया है। सुबह 6 से 8 बजे तक प्रतिदिन 2 घंटे आने वाले 8-9 दिन तक ये अभियान चलेगा। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और कल हमेशा पंचायत समिति का जो मेन मुख्य गेट है यहाँ से सब इकट्ठा होके एक जो है गली निर्धारित करेंगे, उसकी साफ सफाई के लिए हमेशा सुबह के लिए निकलेंगे। शुक्रिया। अब मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता दिनेश जी कुलदेव। दिनेश जी, एक मैं आपको गांव की ओर से जिम्मेदारी देता हूँ कि आप सारा या सफाई में का थोड़ा ध्यान देना, एक बार आप साथ में रहेंगे, मेहनत करना आप लोगों की। मैं दोरिमना का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं दोरिमना कस्बे के सतीश कौम के लोग हैं, गणमान्य नागरिक है, व्यापारी बंधु है और अन्य जो भी समय सभी संस्थाओं से जुड़े हुए कार्मिक है, सरकार के कर्मचारी है, ग्राम पंचायत के सरपंच है और ग्राम पंचायत के जो भी कार्मिक है, अधिकारी है और कर्मचारी है और जो लेबर है सफाई अभियान की ग्राम पंचायत की और गांव के नागरिकों से, सबसे मेरा अनुरोध निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार जो हिंदुस्तान की जो टॉपर IAS रही है आदरणीय टीना डाबी जी, जो बाड़मेर की अभी जिला कलेक्टर है, जिलाधीश है, जो हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है, उन्होंने जिस प्रकार बाड़मेर के जिला कलेक्टर के पद को संभालने के बाद में बाड़मेर ज़िले में एक स्वच्छता को लेकर के एक जिस प्रकार लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर स्फूर्ति जो आई है और एक उन्होंने अभियान चलाया नवो बाड़मेर, तो मैं उस अभियान के पक्ष में हूँ। और आदरणीय टीना राबी जी, हमारी जो बाड़मेर की जिला कलेक्टर महोदया है, उनके इस अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और उनको धन्यवाद प्रकट करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ कि उनकी जो कार्यशैली है वो एक बहुत ही अलग कार्यशैली, एक अलग प्रशासक वो जिले की साबित हुई है और मैं उनके अभियान को गति प्रदान करने के लिए दोरिमना के गणमान्य नागरिक है, विभिन्न जो कर्मचारी है, राजनीतिक पार्टियों के नेता है, स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी है और संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग इस नवरात्र के अंदर जिस प्रकार देवी माँ की पूजा की जाती है, इसी तरह स्वच्छता के रूप में सफाई करके एक अच्छा संदेश आम जनता के अंदर देना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों से अनुरोध निवेदन करता हूँ कि इस नवरात्रि के अंदर जिस प्रकार जिला प्रशासन और दोरिमना प्रशासन द्वारा, उपखंड प्रशासन द्वारा, विकास अधिकारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा, SDM द्वारा जिस प्रकार इस अभियान को गति प्रदान की जा रही है, सभी लोग एक साथ भागीदारी निभाए। जिस प्रकार 9 दिन ये अभियान चलेगा, इस अभियान को अपन दोरिमना के सभी गणमान्य नागरिक भागीदारी निभाए और दोरिमना को स्वच्छ बनाए। ये कई बार मेरे को यहाँ के लोग कह देते हैं, ये आप प्रतिनिधि हो, एक बार मैं ये कहते एक बार इस मेहनत करके बात तो सड़क को ठीक होने सफाई के बाद आप मेहनत करना गाँव में। मैं सड़क के लिए भी मेरी आज ही दोरिमना के सरपंच महोदय से बात हुई थी और हमने उनको कहा है कि आपने दोरिमना कस्बे में जब हेमाराम जी चौधरी राजस्थान की सरकार में मंत्री थे कैबिनेट के, उनके कोटे से दोरिमना कस्बे को स्वच्छता प्रदान करने के लिए दोरिमना के अंदर उन्होंने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा सड़कों के निर्माण के लिए उन्होंने अपने कोष से PWD को दिलाए थे। आज दोरिमना मुख्य बाजार की जो सड़कें हैं, जो सोसाइटी गोदाम से लेकर कस्बे के हाईवे पुल तक जिस प्रकार जो सड़कें बनी हैं, वो आदरणीय हेमाराम जी के सरकार के, कांग्रेस पार्टी गहलोत साहब की सरकार के कार्यकाल में बनी है। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के जो विधायक है के विश्नोई जी, वो राजस्थान की सरकार में राज्य मंत्री है। मेरा उनसे भी दोरिमना के गणमान्य नागरिक होने के नाते अनुरोध है कि दोरिमना कस्बे की जो टूटी हुई सड़कें हैं
और टूटी हुई नालियाँ हैं उसको बनाने में आप भी अपने विधायक कोष से एक बड़ा बजट धोरीमना ग्राम पंचायत को दें, ताकि धोरीमना कस्बे की सुंदरता को बनाए रखें और धोरीमना कस्बा स्वच्छ हो, सुंदर हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया, आपका धन्यवाद। मेरे साथ में सर, अभी कचरा होता कैसे ये समझ में? कचरा तो दुकानदार डालते हैं सब। क्यों डालते हैं? क्यों डाल दे वो तो मालूम नहीं। आप यहाँ कई सालों से 20-30 साल हम कह रहे तो भी डाल देते हैं, हरिजन भी डाल देते हैं, दुकानें सुबह खुलती उससे पहले भी लोग लाल लगे डाल देते हैं। हरिजन भी डाल दें, ये हरिजन कहाँ से लाते? ये दुकानों का जो रोड का कचरा है वो डालते हैं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, यहाँ तो क्या पता यहाँ को जगह रहे जगह इसके कारण, पर लेकिन बाजार में बाकी जगह ये कचरा कहाँ से? बस बाकी तो दुकान वाले अपने डब्बे लगे हुए नहीं है, वो डब्बे डालते हैं यहाँ लाके सुबह थैले भर के। कई जगह टोलियाँ लगी हुई है लेकिन टोली नहीं डालते, टोलियों के आसपास भी कचरे यहाँ। वो तो दुकान वाले का टोली के अंदर नहीं डालेंगे तो कचरा तो उड़ी गई। करना क्या चीज़ का इसको? इसको समाधान यह है कि सही हिसाब से टोली के अंदर डाले तो सही होगा। अगर आपको कह दिया जाए इसका एकदम समाधान निकालना, कोई कचरा नहीं, साफ सुथरा करना, समाधान तो साहब ये प्रशासक के पास साथ में। अगर आपको कह दिया जाए, मान लो आप लिहाजा हमारा फर्ज है वो निभाएंगे। अगर सफाई एकदम साफ रखना है तो क्या करना? एकदम साफ है तो ये साफ प्रशासक साथ में रहे और इनके ऊपर पेनल्टी लगाए कि जो भी रस्ते में कचरा डाले उसके ऊपर पेनल्टी के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। आपका क्या नाम पड़ता है? मेरा नाम कन्हाराम गोदारा है। कन्हाराम जी, क्या विचार सफाई को लेकर? क्या विचार सफाई के लेकर? ये मुद्दा है, दुकान वाले मेन सफाई प्रशासन हो कोई भी हो, अकेले बंदा कुछ नहीं कर सकता, इस सफाई में सबका सहयोग चाहिए, दुकानदार है, आम नागरिक है, किसी भी। मैं यहाँ का दुकानदार हूँ, यहाँ पर सभी दुकानदार को ये कचरा पात्र दिया हुआ है, वो उसको इस्तेमाल नहीं लेते हैं सभी कचरा। एक बार सभी ने, सरपंच महोदय ने सभी को दिला रखा है, वो सभी यूज नहीं रहे, कई कबाड़ी वालों को बेच दिया होगा और किधर गए। धोरीमना का दुर्भाग्य है कि सरपंच या कर्मचारी जब तक भले ही यहाँ की व्यवस्था कर दे लेकिन यहाँ के स्वयं लोग जागरूक नहीं होते तब तक होता नहीं है, ऐसा है ना? विकास में सभी लोगों की साफ सफाई और सब विकास में सुरेश जी सही बात है, बिल्कुल। सरकार कितना भी पैसे दे दे फिर भी सफाई होनी नहीं है, जब तक लोग नहीं करेंगे तब तक, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक कोई नहीं सुधरेगा। हम सुधरेंगे, आप सीधे कोई अगर आपको कह दिया सफाई के विषय, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्थानीय गायत्री परिवार द्वारा शारदीय नवरात्र में स्वच्छ अभियान का बीड़ा लिया गया है, तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे धोरीमना में ये अभियान चल रहा है, और आदरणीय नरेंद्र जी भाई मोदी का भी सपना है कि हमारा देश स्वच्छ रहे, और ये अभियान पूर्व में महात्मा गांधी जी द्वारा भी चलाया गया था, और अब ये बीड़ा नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, और हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हमारा गांव स्वच्छ रहे, और बड़ी खुशी करते हैं। फिर बाद वापस गेंद की वजह, मेरे को याद है 2016 में या 2015 में नरेंद्र मोदी ने सफाई का अभियान करा दिया, धोरीमना साफ किया था, फिर वापस वही गेंद की स्थिति होगी। हाँ ये गलत बात है, हमेशा सफाई निरंतर, हम जैसे हमारा घर निरंतर साफ करते हैं, प्रतिदिन साफ करते हैं, वैसे ही गांव की सफाई भी प्रतिदिन होनी चाहिए, और व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है कि वे अपने दुकान के आगे अपना डंपिंग यार्ड रखें और डस्टबिन रखें, ताकि उसमें कचरा इकट्ठा रहे, और पंचायत का ट्रैक्टर डेली चलना चाहिए ताकि वो उसमें खाली कर दें। मैं हम लोग देखते हैं या फिर लोग देखते हैं जहाँ ट्रैक्टर की टोलियाँ लगी होती हैं उसके पास में लोग अंदर नहीं डालते, बाहर डाल के लोग वहाँ फेंक देते हैं उसके ऊपर कचरा, ऐसा तो अमूमन नहीं करते हैं, टोलियाँ भर जाती है तब वो कचरा पास में डाल के चले जाते हैं, ये पंचायत की थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो निरंतर उसकी साफ सफाई करे और समय पर खाली करे। धन्यवाद। मैं दिनेश कुलदीप, DCC प्रवक्ता बाड़मेर। जिस प्रकार कल 2 अक्टूबर था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती थी, और जिस प्रकार प्रशासन ने स्वच्छता सप्ताह के तहत आज जो नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो मैं इस मौके पर पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने पर सभी भक्तजनों को, धोरीमना के निवासियों को, प्रदेश एवं देशवासियों को नवरात्र की बधाई देता हूं। साथ ही जिस प्रकार हमारे देश की जो टॉपर IAS श्रीमती टीना डाबी जी जो वर्तमान में बाड़मेर की कलेक्टर है, तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि एक महिला शक्ति जिस प्रकार
बाड़मेर के कलेक्टर का पद संभालने के बाद में जिस प्रकार उन्होंने कार्य को अंजाम दिया है और विशेषकर उन्होंने जब कलेक्टर का पदभार संभाला था तभी उन्होंने बाड़मेर के निवासियों को और बाड़मेर के गणमान्य नागरिकों को और मीडिया को बताया कि मेरा यही लक्ष्य होगा कि बाड़मेर के कलेक्टर पद पर रहते हुए मैं बाड़मेर में एक उन्होंने अभियान चलाया नवो बाड़मेर, यानि बाड़मेर को एक नई तस्वीर। आज से 10 दिन पहले जब बाड़मेर में लोग जाते थे तब बाड़मेर सिटी की सड़कें और नाले वगैरह हर कोई जो चौराहे और जिस प्रकार जो सर्किल वगैरह लगते थे उसमें आज रात दिन का फर्क नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने स्वच्छता को महत्व दिया। और विशेषकर कल गांधी जयंती थी तो देश के ही नहीं दुनिया के महामानव है, मसीहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमारे देश एवं प्रदेश की सरकार ने जो स्वच्छता का निर्णय लिया है। और मैं इस मौके पर धोरीमना के गणमान्य नागरिक है, जनप्रतिनिधि है, प्रशासन के कार्मिक हैं, सबसे कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लें और जिस प्रकार हमारे बाड़मेर जिले की कलेक्टर है आदरणीय टीना डाबी जी, उन्होंने जो मिशन और स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है उसमें अपन अपने घर के आगे, घर के पास और गांव में हर ढाणी में, अपन हर घर में, हर गली में स्वच्छता को महत्वपूर्णता दें। और स्वच्छता के लिए जिस प्रकार बाड़मेर गायत्री परिवार ने और अन्य स्वयंसेवी संगठनों ने जिस प्रकार स्वच्छता के लिए अपनी भागीदारी तय की है, और मैं इस मौके पर स्वयंसेवी संगठन है और जो अपने धार्मिक संगठन है और गायत्री परिवार है उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भी धोरीमना को स्वच्छ बनाने के लिए हमारी कलेक्टर साहिबा टीना डाबी जी के निर्देश पर उनको उन्होंने खुद परिवार जो गायत्री परिवार है उन्होंने खुद ने जा करके उनसे अनुरोध किया कि हम ज़िले भर में और जो विभिन्न जो कस्बे हैं उनमें सफाई स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाएंगे। और विशेषकर उन्होंने नवरात्रि में जो देवी पूजा को ही स्वच्छता के रूप में माना है और उन्होंने ये कहा है कि हम सफाई व्यवस्था गाँव के अंदर कस्बों के अंदर रहनी चाहिए, ये हम देवी माँ की पूजा कर रहे हैं तो पूजा के साथ हमारा स्वच्छता का जो वो कायदा है फर्ज है वो हम अदा करेंगे, वही हमारा धर्म होगा। मैं इस मौके पर पुनः हमारी बाड़मेर जिले की जिला कलेक्टर महोदया आदरणीय टीना डाबी जी का और प्रशासन का जिस प्रकार आज हमारे धोरीमना की तहसीलदार महोदया आदरणीय किरण सिंगारिया जी, तहसीलदार भंवराराम जी चौधरी और धोरीमना ग्राम पंचायत के सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधिगण और गांव के गणमान्य नागरिकों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, विशेषकर मैं कहना चाहता हूं कि लोगों के अंदर एक बहुत ही बड़ी ललक थी जिस प्रकार हमारी बाड़मेर की जो कलेक्टर महोदय आदरणीय टीना डाबी जी की आने की सूचना लोगों को सुबह गायत्री परिवार के इन अलाउंस हुई थी इनके द्वारा, पर उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल होने के कारण पूरा ज़िला उनके पास में 2 जिले हैं बाड़मेर और बालोतरा, तो जिस प्रकार उन्होंने उन सारे जो तहसील और उपखंड मुख्यालय सब पे उनका विजिट रहता है इस कारण वो धोरीमना पहले आ चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नवरात्रि के 9 दिन हैं, इन 9 दिनों के अंदर वो 1 दिन धोरीमना के लिए ज़रूर देगी और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह उनके प्रति निश्चित तौर पर वो जिस दिन धोरीमना में आएगी उस दिन धोरीमना का हर नागरिक हर धोरीमना की नारी शक्ति उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए उनके स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए और उसको गति देते हुए धोरीमना की स्वच्छता के लिए सफाई के लिए अपना पूर्ण रूप से योगदान आम जनता और आम लोग ज़रूर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं भी धोरीमना का गणमान्य नागरिक होने के नाते, एक पार्टी विशेष का पदाधिकारी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वच्छता सफाई किसी की नहीं है, सफाई ज़रूरी है, स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें कोई भी व्यक्ति पार्टी या किसी धर्म या कोई किसी के प्रति न माने, क्योंकि ये स्वच्छता हमारा सबका अधिकार है और इसके लिए अपन को लड़ाई लड़नी चाहिए। सफाई हमारे पास परिवार में घर में सफाई रहनी चाहिए, हमारे जो प्रशासनिक लवाजमा
हमें सपोर्ट कर रहा है जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और हमारे बाड़मेर की कलेक्टर साहिबा, इसमें पूरी तरह से मिशन के साथ में निर्देश उनका, हर कार्मिक और हर समय समय संस्था के लोग हैं और अन्य जो गणमान्य नागरिक मान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस सफाई व्यवस्था को अंजाम देंगे। स्वच्छता अभियान जोरदार चलेगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद।